आप आज पालमपुर पहुंचे हैं, क्या है मेन आपका आने का, प्रेस से मिलने का? एक बताऊं, जितनी डोगरा बेल्ट है, जम्मू कश्मीर में डोगराज हैं, कश्मीरीज हैं, दो भाई हैं, लेकिन डोगराज का रिश्ता आप लोगों से, खासकर इस जो ये बेल्ट है, इसके आपके है कांगड़ा, चंबा, पठानकोट तक, आपसे हमारा रिश्ता 400 साल से भी पुराना है। जब हम चित्तौड़ से भागे थे तो हमारे बुजुर्ग जनरल जोरावर सिंह पालमपुर में ही, अगर इतिहास देखेंगे तो पहला पड़ाव जब क्रॉस किए थे तो यही था। इधर से दरिया क्रॉस करके गए हरियासी और वहाँ किला बनाया, वहाँ से फिर गए किश्तवाड़ और फिर लद्दाख को जो कंकर किया है उसमें इस इलाके की, यहाँ आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ, पालम की ऐसा कांगड़ा इस बेल्ट की बहुत कंट्रीब्यूशन रही है और हमारा आपका सदियों से रिश्ता है। ये भी वजह है कि यहाँ आए हैं हम, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आए। आई एम फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जिसे 1982 में एस्टेब्लिश किया था। मैं कांग्रेस का MLA था, अभी 1.5 साल बाकी था। कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट कर दिया, शेख अब्दुल्ला को मैंने मुखालफत की थी, रिजाइन किया, बनाई पैंथर्स पार्टी। पैंथर हम माता वैष्णो देवी की जो पहाड़ियां हैं उनके साए में रहते हैं और पैंथर वो शेर है जिसकी सवारी माता वैष्णो देवी करती है। ये हमारा रिश्ता है, इस नाम से बनाई पैंथर्स पार्टी। और आज जम्मू में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता हूँ, जम्मू कश्मीर में एक ही शासी पार्टी है, राजनीतिक दल पैंथर्स पार्टी, जो तिरंगा झंडा लेके चलती है लद्दाख से लेकर कठुआ तक और कठुआ से लेकर किश्तवाड़ तक। हमारा झंडा जो है वो 3 स्टार का है पैंथर्स पार्टी का, लेकिन हम तिरंगा झंडा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे रखी है कि पॉलिटिकल पार्टीज तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज ले सकती हैं, लेकिन किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की नहीं है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है कि तिरंगा झंडा लेके कश्मीर में चले पैंथर्स पार्टी को छोड़कर। मेरे जितने भी साथी हैं ये सारे, कोई 2 साल जेल में रहा, कोई 1 साल जेल में रहा, अनीता ठाकुर जी यहाँ बैठी हैं, अभी 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने, इन पुलिस ने इन पे असाल्ट किया था, सड़कों पे मारा था लाठियों से, बंदूक की जो गन होती है उसके क्या बोलते हैं उसको, बटन से 2 लाख रुपया, लिखा अनीता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 2 लाख रुपया इनको मुआवजा, कंपनसेशन शिकार, मामूली चीज़ नहीं है। मुझे मिला था 50,000 रुपया कंपनसेशन 84 में, जब मैं MLA था पैंथर्स पार्टी का, मुझे जब मैं अटेंड करने गया असम्बली तो मुझे रास्ते में अगवा कर लिया गया। ये सारी मेरी किताबें हैं, मैंने लाई नहीं, अगली बार आऊँगा तो आपको भी इलेक्शन का कोई चिंता नहीं होगी, हमें भी नहीं होगी, इलेक्शन हो चुकी होगी, सरकार बन गई होगी, मैं आऊँगा। तो हमारा रिश्ता मैं ये कहना चाहता हूँ, पैंथर्स पार्टी का आप लोगों से सदियों पुराना है और हम ये मैसेज लेके आए हैं आज यहाँ कि इलेक्शन हो रही है, पैंथर्स पार्टी महसूस करती है कि जो हालात जम्मू कश्मीर में हैं, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने एक लोकल पार्टी PDP के साथ हाथ मिलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में आज BJP ही तिरंगा झंडा लेकर नहीं चल सकती है, ये पैंथर्स पार्टी चलती है। आप रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, कोई मैं वो ही बात करूंगा जिस बात को आप भी जानते हैं।
आज चुनाव हो रहा है, हम हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ सीधा कांग्रेस का है और भारतीय जनता पार्टी का है। इस पे मैं अपील करने आया हूँ अपने यहाँ 400 साल पुराने जिनसे मेरी रिश्तेदारी है, मेरे परिवार की है, उनसे अपील करने आया हूँ कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को थोड़ा रेस्ट चाहिए। गुजरात में तो हो जाएगा, लेकिन ये बेल्ट जो है बड़ा सेंसिटिव एरिया है, चाइना एक तरफ है और जम्मू कश्मीर के साथ होते होते यहाँ हमारा पाकिस्तान से भी जो हमारी सिचुएशन है आपके सामने है। इस वक्त जम्मू कश्मीर की एकता और रक्षा के लिए सेकुलर ताकतों को मजबूत करना जरूरी है, राष्ट्रवादी ताकतों को, भाजपा को मजबूत करके जम्मू कश्मीर में सेकुलर ताकतें मजबूत नहीं हो सकती हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रिश्तेदार भी हैं जो भाजपा में है, सारी जगह हैं। वीरभद्र सिंह जी ने तो मेरी कंस्टिट्यूएंसी रही MLA की 15 साल, चलानी वहाँ शादी की है, हमारी रिश्तेदारी सबसे है। या महाभारत का युद्ध हुआ तो रिश्तेदारियाँ अलग हो गई, वहाँ जंग हुआ न्याय अधिकार का, आज यहाँ भारत के लिए न्याय अधिकार की जंग है, वो है कि सेकुलर ताकतों को जिंदा रखना राष्ट्र की एकता के लिए जरूरी है। इसलिए मैं अपील करना आया हूँ मैं और अपने साथियों के साथ यहाँ के लोगों को कि आप कुछ भी सोचें लेकिन रास्ता एक है इस वक्त, और कोई दूसरी पार्टी होती है ये आपको दिखाई देती है कि जो सेकुलर देश की एकता अखंडता पर यकीन करती हो, जो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर चल सकते हैं लोग, जम्मू कश्मीर को भारत से के साथ रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना USSR की तरह भारत भी खतरे की सिचुएशन से गुजर रहा है थैंक्स टू एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक। मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता हूँ, मैं यही अपील करने आया हूँ यहाँ इस प्रदेश हिमाचल प्रदेश के भाइयों वोटर, खासकर युवा पीढ़ी से, कि इस वक्त राजनीति की बात नहीं है, भारत की बात है, जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए, एकता के लिए वोट दीजिए सेकुलर ताकतों को और बचाइए जम्मू कश्मीर को। ये एक रास्ता है, जो आप पूछना चाहें मोस्ट वेलकम। मैं पहले भी यहाँ आया था जब हमारे जम्मू कश्मीर के लोग आ गए थे ना, कम से है चंबा याद है आपको शायद, मैं और गुलाम नबी आज़ाद पैदल आए थे और चंबा से हमने उस वक्त कोई 3,000 के करीब डोडा भदवा के लोग आए थे, भाग के आए थे, उम्र बात 1992 की बात है, 92 की है, और यहाँ से पैदल ले गया था, मैं इधर से पैदल ले गया था वापस, 5 दिन लगे थे और मेरी फिल्म भी है। आज किस दिन आएंगे आपके साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे यहाँ, और हमारे बहुत दोस्त हैं प्रदेश कहूँगा जो इनसे हमारा बहुत खानदान, वोट दीजिए, ये भारत की एकता का वोट है जी। तो देने की अपील करी है बीजेपी नहीं, इस वक्त अगर आपको हिंदुस्तान तोड़ना है, अगर आपको 2 झंडे चाहिए, आपको कश्मीर के लिए अलग झंडा चाहिए, कश्मीर को अलग रखना दीजिए बीजेपी को, लेकिन देश को एक रखना है। अगर कोई दूसरी पार्टी होती तो मैं नहीं कहता कि आप कांग्रेस दीजिए, मजबूरी है, राजा साहब बुजुर्ग भी हो चुके हैं, ये नहीं कि हमारे रिश्तेदार हैं वो हमारे यहाँ उनकी रिश्तेदारी है, इसलिए कि आप बुजुर्ग हो चुके हैं, इज मोर सीनियर टू मी। और राष्ट्रीय एकता के लिए इस वक्त 2 ही दलों में जो जंग हो रही है, आपने फैसला करना है कौरवों और पांडवों के बीच में, और पांडव मुझे वही लगते हैं जिनके साथ मैं हूँ, मेरा नाम भीम है और भीम पांडवों के साथ ही है।
आप पूछिए जो आपको कोई गर्म जी एनीथिंग अभी तो ना बीजेपी को मतलब सेंटर में 3 साल ही हुए, 3.5 साल, तो आप कितनी